हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन फिर गिरा है। 2022-23 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में सेब की खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन वार्षिक पैदावार में बम्पर गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट देखिए। बारिश, ओलावृष्टि का कहर, मौसम का बिगड़ा संतुलन, सेब पर कुदरत की मार, आधा हुआ उत्पादन, कभी बारिश कभी ओलावृष्टि, मौसम के बिगड़े संतुलन ने सेब उत्पादन का भी बैलेंस बिगाड़ दिया है। हिमाचल में इस साल सेब उत्पादन लगभग 2.25 करोड़ पेटी के बीच में सिमट जाने की संभावना जताई जा रही है। बागवानी विभाग की फील्ड से ली गई रिपोर्ट के अनुसार बीते साल की तुलना में सेब की फसल लगभग आधी है। बागवानों को बेरुखे मौसम के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश में साल 2022 में 3.36 करोड़ पेटी सेब उत्पादन हुआ था। इस बार अगर साइज बहुत अच्छा बना तो 1.90 करोड़ पेटी तक उत्पादन पहुंच सकता है। साइज अच्छा नहीं बनने पर मुश्किल से 2.25 करोड़ पेटी होगी। वहीं साल 2010 में आज तक का रिकॉर्ड 5.11 करोड़ पेटी सेब उत्पादन हुआ था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब कितना सेब का उत्पादन हुआ। साल 2010 में हुई थी रिकॉर्ड प्रोडक्शन, वही साल 2011 में सेब 1.38 करोड़ पेटी से उत्पादन हुआ। साल 2012 में इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। साल 2013 में फिर सेब उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद साल 2014 में फिर गिरावट आई और 2.80 करोड़ पेटी का उत्पादन हुआ। साल 2015 में बागवानों के चेहरे फिर खिले, क्योंकि फिर थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। साल 2016 और 2017 में सेब उत्पादन में ज्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन साल 2018 में फिर सिर्फ 1.65 करोड़ पेटी सेब की पैदावार हुई। साल 2019 में यही सेब के उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई और 3.24 करोड़ पेटी सेब हुआ। साल 2020 में गिरावट के बाद फिर 2021 में 3.05 करोड़ सेब का उत्पादन हुआ। साल 2022 में ये सेब का उत्पादन 3.36 करोड़ हुआ। वहीं साल शुरू से ही सेब के लिए मौसम अनुकूल नहीं रहा। सर्दियों में बर्फबारी नहीं होने से खासकर कम ऊंचाई वाले इलाकों में चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हुए। इससे फरवरी में ही सूखे जैसे हालात बने। 16 मार्च के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ और अप्रैल मई में भी बारिश होती रही, जिससे सेबों के साइज के लिए अच्छी धूप भी नहीं मिली। सर्दी में गर्मी और गर्मी ने बिगाड़ा संतुलन। फरवरी में गर्मियों ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। अब सेब के अच्छे साइज और रंग के लिए धूप की जरूरत। मई में बारिश ने ब्रेक किया 19 साल का रिकॉर्ड। बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की वजह से सेब की फ्लावरिंग को भारी नुकसान हुआ। इससे गर्मियों में फ्लावरिंग के दौरान जब तापमान औसत 15 डिग्री जरूरी था, तो ऊंचे क्षेत्रों में ये 8 डिग्री से भी नीचे लुढ़क गया। इससे सेब की पॉलिनेशन नहीं हो पाई और सेब की अच्छी सेटिंग नहीं हो पाई। रही सही कसर ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। सेब के लिए सर्दियों से ही अनुकूल नहीं रहा मौसम। विंटर में दिसंबर से फरवरी तक पहाड़ों पर नहीं गिरी बर्फ। 16 मार्च से मई तक निरंतर होती रही बारिश, ओलावृष्टि। निचले इलाकों में सेब के लिए जरूरी चिलिंग पूरी नहीं। तापमान में गिरावट से सेब की नहीं हो पाई अच्छी सेटिंग। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अप्रैल और मई महीने में बार बार ओलावृष्टि होती रही। इससे सेब की फसल तबाह हो गई है। खासकर जिन बागवानों ने एंटी हेल नेट नहीं लगाए थे, उनकी फसल 70% से भी ज्यादा तबाह हो गई है। इससे भी सेब उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं हिमाचल में 2 लाख परिवार ऐसे हैं जो सेब की खेती करते हैं। राज्य की GDP में भी इसका 13% से ज्यादा का योगदान रहता है। ऐसे में सेब का घटता उत्पादन बागवानों और राज्य सरकार दोनों के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।